लग्नों को, लग्न और राशि दोनों ही आधार पर आप इसको देख सकते हैं। जिनको अपनी राशि भी नहीं मालूम है, लग्न भी नहीं मालूम है, फिर इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है तो वो अपने बोलते नाम से ही देखें, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर आपको अपना मंथ भी मालूम है तो अपनी सूर्य राशि के हिसाब से भी आप इसकी गणना कर सकते हैं। हम सबका मिला जुला ही जो फलादेश है वो इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त स्थिति उनके व्यवसाय नौकरी को लेकर बनेगी। अब तक बड़े परेशान थे, अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे थे, मनमाफिक नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी में अपने हिसाब से स्थिति नहीं बन रही थी, वो स्थिति अब बनने लगेगी और आप खुद चेंजेस महसूस करेंगे। लेकिन अपना एटीट्यूड भी सुधारें। देखो, जब पाप ग्रह बलि होते हैं ना, तो हमारा खुद का ही व्यवहार, हमारी खुद की सोच नेगेटिव हो जाती है, हम अच्छी चीज़ों में से भी बुरी चीज़ें ढूंढने लगते हैं। यही दशाओं का परिणाम होता है और पुराने, यही ग्रहों का परिणाम होता है। और पुराने लोग कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल में किसी और की बुद्धि नहीं, हमारी ही बुद्धि खराब हो जाती है, हमारी ही बुद्धि खराब हो जाती है और हम ही सही निर्णय नहीं ले पाते। और जब ग्रहों का गोचर अनुकूल अनुरूप होता है तो वही चीज़ बढ़िया होता है। कहते हैं ना, रात को वो गली दिख नहीं रही थी और सुबह, अरे इतनी पास थी गली, इतना पास था ये मुकाम, तो वही चीज़ हो जाती है। तो अंधेरा हमारी आंखों के आगे छा जाता है नकारात्मकता का, और उसे दूर करते हैं ग्रह के अच्छे गोचर। और यही स्थिति आपके लिए लेकर आएगी। देखो, मेहनत परिश्रम करनी पड़ेगी, पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करोगे, किसी नेता का अपमान नहीं करोगे। इसके अलावा अपने जो पैतृक मकान है उसकी कुछ मरम्मत कराएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अपने बॉस का अपमान ना करें। आपका बॉस कैसा भी है आप जानते हैं ना अच्छी तरह से, लेकिन जब आप इसकी चर्चा अपने ही सो कॉल्ड चाहने वालों से कर लेते हैं, सो कॉल्ड मित्रों से कर लेते हैं, सो कॉल्ड जो आपके साथ में काम करने वाले सहकर्मी हैं, वो आपको ही बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। इस अवधि में इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी भी किसी के बारे में बात करो तो उसकी अच्छाई बताओ, उसकी बुराई कभी किसी को मत बताओ। ये सफलता का मूल मंत्र है। इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो ये शनि गुरु मंगल का गोचर आपको बहुत राइज कराएगा, बहुत ही राइज कराएगा। मेहनत से आप कभी भागे ही नहीं हैं, पराक्रम तो आपके खून में है, तो इनको हाईलाइट करिए और आगे बढ़िए। मेष राशि वालों, बहुत अच्छा समय है। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो समय है काफ़ी कुछ अनुरूप रहेगा, क्योंकि शनि का जो स्वग्रही मौजूदगी है ना, ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगी। पत्नी के सहयोग से बिगड़े हुए काम बनेंगे, पत्नी की सलाह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। अपने गुरु तुल्य व्यक्तियों का कभी अपमान ना करें। इसके अलावा यात्रा करते समय थोड़ी सावधानी रखें, जुबान पर कंट्रोल रखें। किसी को बोलें तो अच्छा बोलें, मधुर बोलें, मिश्री घोल कर बोलें। कड़वा सच कई बार आपकी मुसीबत का कारण बन जाता है। हर किसी को आईना दिखाना ज़रूरी नहीं होता, ये चीज़ आप क्यों नहीं समझते हो? इसको समझ लो आप तो आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी और बनी रहेगी। पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका आपने नहीं लिया है, इस छोटी सी बात को समझ लो तो जीवन में सुखों का आगमन होने लगेगा और ये गोचर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अपने काम से काम रखें, इन वन वर्ड आपको यही कहूँगी, अपने काम से काम रखें, फाटे में पैर ना फंसाएं। एक कहावत है ना, फाटे में पैर मत फंसाओ। अपने काम से काम रखो, प्रयास जारी रखो। अपेक्षित नौकरी में भी सफलता मिल सकती है। जिनको नौकरी नहीं है वो थोड़ा प्रयास करें, रिजल्ट थोड़ा विलंब से मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों की बात करते हैं। वाहन सावधानी से चलाएं, वाहन इस अवधि में भूलकर भी ना खरीदें, इस चीज़ का ध्यान रखें, वाहन ना खरीदें, दुर्घटना का योग बनता है। हेलमेट लगा के चलें, कार की जो सीट बेल्ट है उसको बांध कर चलें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, अपनी गाड़ी गलत जगह पार्क ना करें। कई बार ऐसी जगह गाड़ी पार्क कर देते हो तो महादोष पनपता है, याद रखना। अपने आपकी गाड़ी की वजह से अगर आपका पड़ोसी बद्दुआ दे रहा है, आप उसके गेट पर गाड़ी पार्क कर रहे हो, तो ये आपकी परेशानी का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। वाहन संबंधी कोई दोष दिख रहा है और वाहन संबंधी कोई दिक्कत आपको आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी को कड़वा ना बोलें, सत्य बोलें, बिल्कुल सत्य बोलें, लेकिन ऐसा भी ना बोलें कि किसी को तीर की तरह चुभ जाए। वाणी संयम रखना बहुत ज़रूरी होगा इस अवधि में, तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा बन सकता है। लेकिन फिर भी गोचरी प्रभाव की दृष्टि से मध्यम रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि और कर्क लग्न वालों की। कर्क लग्न वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। राज्य पक्ष से, नौकरी पक्ष से बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी आपको, धन का आगमन होगा, आपकी अर्निंग बढ़ेगी। मेहनत का जज्बा जगाए रखें तो बहुत ज़्यादा आपको सफलता के योग मिलते हैं। जीवन साथी से तू तू मैं ना करें, अहंकार को ना अपनाएं जीवन में। जीवन साथी आपका अपना है, उसको लेकर कैसा अहंकार।
जितना झुकोगे ना उतना ही प्यार पाओगे। इस चीज़ को समझ लोगे तो जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मूड के गुलाम मत बनो, अभी गुस्सा है, अभी मन गए, फिर कुछ चिड़चिड़े हो गए, ये चीज़ बिल्कुल हटा के रखना। आत्मविश्वास बना के रखना, आप एक आत्मविश्वासी मनुष्य हो, लेकिन कभी कभी भावनाओं में बह के गड़बड़ हो जाते हो। भावनाओं पर नियंत्रण करके चलो तो ये समय काफ़ी अच्छा और अनुरूप बना रहेगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए। शत्रु पराजित होंगे, प्रतियोगी परीक्षा में बहुत सफलता के योग बने हैं, कहीं से पैसा चाह रहे थे नहीं आ रहा था, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसके अलावा किसी को भी कोई वस्तु देते समय लिखा पढ़ी अच्छे से कर लीजिए, गलत सिग्नेचर कभी किसी को मत करिए, किसी की झूठी गवाही मत दीजिए, ये काम करेंगे तो सफलता निश्चित है। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की। इन लोगों के लिए सबसे बड़ी जो उपलब्धि होगी वो होगी शिक्षा को लेके। एग्ज़ाम के जो रिजल्ट्स हैं अच्छे आएंगे, उम्मीद से ज़्यादा अच्छे आएंगे। प्रेम प्रसंगों में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी, लेकिन भूचाल भी आएगा। भूचाल इस तरह से आएगा कि किसी बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग किसी भी रिश्ते में अच्छी नहीं होती है। आप थोड़ा सा ध्यान रखें किसी भी बात का, बेवजह शक ना करें, कड़वा ना बोलें, तो आपको फ़ायदा होगा। संतानोत्पत्ति के भी योग बनते हैं, जो लोग कंसीव करना चाह रहे थे उनके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। अब हम बात करते हैं अगली राशि की, यानी कि तुला राशि की। तुला राशि के लिए जो समय है सुखमय वाला समय है। घर में काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है, घर में कुछ फेर बदल हो सकता है, घर में इंटीरियर का सामान आ सकता है, घर में जो कुछ स्लैब थी वो चेंज कराएंगे, नल एसी इनकी मरम्मत पे समय लगेगा आपका। मातृपक्ष से सहयोग से पैतृक भूमि भवन से लाभ होने के ज़बरदस्त योग हैं, लेकिन घर में कलह भी मच सकती है किसी सदस्य की वजह से, तो अपने गुस्से को नियंत्रित करके आपको चलना होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों की। पराक्रम बढ़ेगा, मेहनत का जज्बा बढ़ेगा, कोई बहुत शुभ समाचार जो बहुत दिनों से अपेक्षित था मिलेगा, रिश्तेदारों से मिलना होगा। इसके अलावा बहुत से लोग आपको प्यार करने वाले आपके सामने आएंगे, और नफरत करने वाले परास्त होंगे, दूर होंगे, क्योंकि आपका एटीट्यूड इतना बढ़िया हो जाएगा कि जो अब तक का जो समय था ना आपका संघर्ष वाला, उसका सुखद परिणाम आपको मिलेगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, लोग आपकी बात को मानेंगे, शत्रु भी पीछे से आपकी तारीफ करेंगे, आपकी रीति नीति की सर्वत्र प्रशंसा होगी, और आप एक सशक्त इंसान के रूप में उभर के लोगों के सामने आएंगे। आपका दबदबा रहेगा, वर्चस्व रहेगा, और चाहू और आपकी ख्याति फैलने के योग बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं धनु लग्न और धनु राशि वाले। धन का व्यर्थ अपव्यय हो सकता है, खर्चा हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक धन को खर्च करें। किसी को भी ऐसी बात ना बोलें कि वो जिंदगी भर भूल ना सके। किसी को भी अपना बनाने की कला आपके अंदर है, लेकिन कई बार ऐसा बोल जाते हो, ऐसा बोल जाते हो कि सोचते ही नहीं हो बोलते समय, उसका थोड़ा सा ध्यान रख लो तो अच्छा रहेगा। समय स्वास्थ्य का पाया थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, स्वास्थ्य की तरफ से बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। इसके अलावा वाहन सावधानी से चलाओ, किसी अचानक से कोई इन्फेक्शन हो सकता है, अचानक से जो खान पान संबंधी कोई दिक्कत हो सकती है, तो खाने में थोड़ी सी सावधानी रखो। अब हम बात करते हैं मकर, मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए बात करते हैं। क्रोध की बहुत ज़्यादा अधिकता रहेगी, एनर्जी लेवल इतना हाई होगा कि छटपटाएंगे कि वो एनर्जी कहीं निकल जाए, और कई बार जब वो एनर्जी नहीं निकलेगी तो बेवजह ही लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। तो अपने आप पे नियंत्रित होकर चलें, किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना है, कंट्रोल में रखना है अपने आप को, क्या घर क्या बाहर, अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर इन चीज़ों को आप अपनाएंगे ना, मतलब अपने अपशब्द नहीं बोलेंगे, तो टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसको पॉजिटिविटी में लगाइए, कुछ क्रिएटिव करिए, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आप इसी को समय को विध्वंसक बना देंगे तो घातक परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं, मतलब शत्रु बाधा आपकी बढ़ सकती है। तो नियंत्रित रखें, सूझबूझ वाला दिमाग काम में लेवें, जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार काम में नहीं ली जाती, इस बात को समझ लेंगे तो सुखमय बने रहेंगे। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। नेत्र पीड़ा, स्वास्थ्य में कमजोरी, नींद नहीं आना, ये स्थिति आपके सामने निर्मित होगी। इसके अलावा व्यर्थ भ्रमण होगा, इधर उधर घूमना होगा, रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, खर्चा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान कुछ अवधि के लिए रख लीजिए, बाकी बाद में समय प्रतिकूल जो अभी समय है अनुकूल बन जाएगा। मीन वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, लाभ ही लाभ होगा,
पैसा रुका हुआ वसूल हो जाएगा, अर्निंग सोर्सेज बढ़ेंगे, समाज में ख्याति बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, कोई पुरस्कार मिल सकता है आपको। कुल मिला के जो समय काफ़ी अच्छा है, जिनका विवाह तय नहीं हो रहा था उनके लिए आगे बढ़ के रिश्ते आने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस नीच भंग राजयोग का। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो आपको मैं उपाय बता देती हूँ, उपाय आपको क्या करना है, एक तो ये जो थोड़ा समय है ना 3-4 महीने का, इस अवधि में पानी में थोड़ी हल्दी डालकर स्नान करिए। भारंगी की जड़ आती है जो पंसारियों की दुकान पे मिल जाती है, भारंगी की जड़ ले लीजिए, केले के जो पेड़ है उसकी थोड़ी सी सूखी जड़ निकाल लीजिए, उसको पीले कपड़े में बांधकर अपने पास में रख लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हल्दी और केसर का तिलक लगाएं, हो सकता है तो हो सके तो गुरुवार का व्रत कर लीजिए जिसमें कि नमक ना खाएं। व्रत नहीं कर सकते तो 12 बजे तक नमक ना खाएं, ऐसा भी कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन कोई भी पीली चीज़ भोजन में ज़रूर बनाएं, पीली गाय की सेवा करें। इसके अलावा मंदिर में साबुत हल्दी, चने की दाल और नींबू का दान करें। किसी धार्मिक पुस्तक को वितरित करिए, धार्मिक स्थान की यात्रा करिए, धार्मिक स्थल पर सेवाएं दीजिए, ब्राह्मणों का सम्मान करिए, किसी ब्राह्मण को धोती और कुर्ता पीले रंग का दीजिए। इतने सारे मैंने उपाय आपको बता दिए, इन सब का आप ध्यान रखें। बृहस्पतिवार को सिर ना धोएं, बृहस्पतिवार को पोछा ना लगाएं, कपड़े ना धोएं। ऐसा करने से बृहस्पति का जो नीच भंग राजयोग है और पावरफुल होगा और आपको शुभ परिणाम देने में समर्थ होगा। अलग अलग राशि अलग अलग लग्नों के लिए उपाय पर अलग वीडियो बना रही हूँ। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप इसे काफ़ी पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।